मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में शिवराज सरकार द्वारा नर्सिंग के जो छात्र छात्राएं हैं जो कि पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं है, उनकी ड्यूटी कोरोना करण के टीकाकरण में लगाई गई है, यहाँ बहुत निंदनीय है। ऐसे में छात्र छात्राओं को ना ही किसी प्रकार की सुविधा दी जा रही है, ना ही उनको किसी प्रकार का मानदेय दिया जा रहा है, और छात्र छात्राएं अपने स्वयं के वे से सैनिटाइजर और मास्क खरीद रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को सोचना चाहिए। और आज शिवराज सिंह चौहान को मैंने पत्र लिखकर यह मांग की है कि अगर आपको ड्यूटी लगाना ही है कोरोना के टीकाकरण में, तो नर्सिंग के रजिस्टर्ड और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाइए। प्रदेश में कई नर्सिंग स्टाफ बेरोजगार है, आपकी सरकार ने कोरोना के समय पूर्व वर्ष में उनकी से ड्यूटी करवाई थी, उसके बाद उनको निकाल दिया गया था, उनको दोबारा ज्वाइन करवाइए। या फिर नर्सिंग कॉलेजों के प्रशिक्षित स्टाफ और नर्सिंग कॉलेजों के अस्पताल के प्रशिक्षित स्टाफ जो जिनसे ड्यूटी करवाई जाए, ना कि छात्र छात्राओं से। यहाँ छात्र छात्राओं का हनन हो रहा है, और अगर आपको छात्र छात्राओं से ड्यूटी करवाना ही है तो फिर उनको जो सरकारी आपके नर्सिंग स्टाफ को वेतन दिया जाता है और जो सुविधा दी जाती है वहाँ नर्सिंग स्टाफ को सुविधा दी जाने वाली सारी सुविधाएं और वेतन नर्सिंग छात्र छात्राओं को भी दे।